त्रिश देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ बाल्टी बॉय, बहुत मजा आ रहा है। त्रिश हमें ढूंढ रहा है। हाँ अरे बाल्टी बॉय कितना सुंदर है ना। अब वो मेरे निशाने पे है। त्रिश कितनी बेवकूफ है, उसने शर्त लगाई वो भी मुझसे, मुझ जैसे उस्ताद से। और शर्त भी क्या कि जो सबसे बड़ी शरारत करेगा वो अगली कहानी सुनाएगा। त्रिश तू तो अब तैयार हो जा इस सदी के सबसे बड़े कारनामे के लिए। बना दिया। क्यों उस्ताद कैसी रही? पर मैंने जब देखा तू मुझे तुम वहाँ दिख रहे थे। तुमने हमें नहीं इन्हें देखा था। क्या कमाल की चाल थी ना ये क्रिश, ये हमने सीखा है पुराने उड़ीसी पटचित्रों से। पुराने उड़ीसी पटचित्र? हाँ, उड़ीसी पटचित्र कलाकृतियों की शुरुआत उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हुई है। जगन्नाथ मंदिर में तीन मूर्तियाँ हैं, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्र की। हर साल इन मूर्तियों को रथ पर बिठाकर यात्रा के लिए ले जाया जाता है, और जब भी इन्हें ले जाया जाता है तो इनके चित्र एक खास कपड़े पर बना लिए जाते हैं। उस कपड़े को कहते हैं पट। ये चित्र मंदिर के ही चित्रकार बनाते हैं, और यात्रा पूरी होने तक उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस तरह पुराने जमाने में जो एक प्रथा शुरू हुई थी वही आगे चलकर उड़ीसा में पटचित्र की कला के नाम से मशहूर हो गई। तो अब क्रेश, जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने शर्त लगाई थी और तुम मेरी चाल में फंस गए, तो अब मैं चुनूंगी अगली कहानी। लेकिन चूहो, ये कहानी है एक ऐसी जगह से जहाँ से भारत की सबसे पुरानी नृत्य परंपरा आई है। वो नृत्य परंपरा है उड़ीसी, और उस जगह का नाम है उड़ीसा। इस कहानी की शुरुआत होती है दोपहर के खाद्यों से, उड़ीसा के स्वाद भोजन के आमंत्रण से। दालमा, रोशगला, पखलो भातो, चिन्नपोड़ो और खीरी। चलो शुरू करते हैं। वाह क्या खाना है। बहुत भला है जिया। जानते हो इससे तो मुझे शहर की अच्छी जगहों का खाद्य याद आ गया। हाँ? जब मैं पिछली बार शहर गया था मैं बहुत जगह घुमा। आओ मो पकड़े, ऐसी ऐसी कथा है तुमको सुनाने के लिए। हाँ हाँ सब खाई दी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ट्रेन में था अपनी बकरी के साथ। हाँ, मैंने टिकट कलेक्टर को मेरी तरफ आते हुए देखा। ऐसा था? तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा, आओ एक जबरदस्त आइडिया निकाला। वो क्या है ना, मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि मैं बहुत। अरे पापड़ यही तो रह गया था। अरे मेरा पापड़ो। हाँ हाँ तो फिर क्या हुआ? तभी मैंने उसी समय टिकट कलेक्टर। लेकिन मेरा खाद्य दुष्ट हो तो उसमें मुँह कौन करेगी? अरे उठ गई थाली साफ करनी है ना तुमको। अरे हमने बहुत मदद कर दी, अभिजोग मत करो। तुम्हें मुझ जैसा बढ़िया स्वामी मिल गया है। चलो। अरे बाबा बहुत भूख लगला, उठी थी बा। ओहो कुछ खाने को कहाँ रखा होगा, कितना भूख लग रहा है, किछे दाना भी नहीं बचा है। हाँ, मिल गला।
क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? काश ये वही होता। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बेसन लड्डू। आज मिठाई में क्या है? बेसन लड्डू? वाह बढ़िया बढ़िया। अरे किंतु ये तो मोते खाना था। अरे बुद्धिमती अतिथि देवो भव, तुम्हें मिठाई अकेले कैसे खा सकती हो है? वो भी इतना गरिष्ठ खाने के बाद, खा खा के पहले ही लड्डू जैसी मोटी हो गई हो। अच्छा मोटी? एप पे देखो जी तुम को। अरे लड्डू, ओहो मेरे लड्डू। अरे बुद्धिमती ये बे क्या करेंगे तू? कोहला तुम्हें ये कैसी भयंकर आवाज निकाल रही हो? बंद करो, मु सो नहीं पा रहा हूँ। मु कुछ नहीं कर सकती, मु भूख करे मारू जी ना। आप खाली पेट रहे तो आवाज ही आएगी ना। घर में जो कुछ भी था तुम और तुम्हारा उस गधे दोस्त ने खा लिया। कौन? मोर दोस्त गधा? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? भूलो नहीं, इस पूरे खाने पीने का पैसा कौन देता है? मु। और जितना राशन आता है उसी में से गुजारा करो, और आप मुझे सोने दो। मो कथा कान खोल कर सुन लो, अगर और राशन नहीं मंगाओगे तो मैं तो भूखी रहती ही हूँ, तुम और तुम्हारे दोस्त भी भूखे ही मरेंगे, और फिर वो यहाँ ना छोड़ देंगे, बुझिला। हाँ हाँ, तुम्हें बस सपनों रे देखू था। वो मेरे दोस्त हैं, वो कहीं की आना छोड़ देंगे घर पे। हाँ अगर मैं उनके मुंडरे दौंडा मारूंगा तो शायद। अब पेट को बोलो कि शोर ना मचाए, सो जाए। शुभ रात्रि। ये घटिया स्वामी और इसकी लोभी दोस्त। हाँ अगर मैं उनके मुंडरे डांडा मारूंगा तो शायद। क्या फालतू बात। हाँ अब इसे अपने किसी दोस्त को खाने पे बुलाने दो, चखो जी मजा। अरे देखो वर्षा होने वाली है। मसाला पकौड़ी खाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और भाभी के हाथ के खाने में जो मजा है वो तो बस। मुँह तो तुमको बुला लूं खाने पर, किंतु मेरी सेल्फिश पत्नी फिर कुछ खाना ही नहीं बनाएगी। ये औरत भी ना, ए जगन्नाथे। अरे क्या हो गया है तुमको? एक बार उसे दिखा क्यों नहीं देते कि कौन है घर का मालिक? बस एक छोटो चाल चलो। चाल? की चाल? मुँह अचानक बिना बुलाए अतिथि की तरह टपक पड़ूंगा जब तुम लोग खाद्य खा रहे होंगे, फिर भाभी के खाने का प्रशंसा का ऐसे बूल बांध दूंगा कि फिर तो उसे मते खाद्य खिलाना ही पड़ेगा। हाँ और इसी तरह बुद्धिमती बन जाएगी बुद्धुमती। बहुत बढ़िया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्त्री पर अन्याय नहीं चलेगा। बाल्टी बॉय ये। नहीं त्रिश, मुझे छोड़ दो। ये कैसा पति है, उसे अपनी पत्नी की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो दिन भर इतना काम करती है फिर भी उसे भरपेट खाना नहीं मिलता, और उस पर ये आदमी उसे बेवकूफ बना रहा है। मैं उसे मारूंगा। हाँ, मारूंगा। उसे मारना है? हाँ तुम मारो उसे, किसका वेट कर रहे हो? अरे रे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उसे डंडे से मारने की जरूरत नहीं है। लाओ इसे मुझे दो। बुद्धिमती इसका सही इस्तेमाल करेगी। पर बाल्टी बॉय बस देखते जाओ। अगर वो बदमाश किसी को घर ले आया वो देखो जी। अरे बा, वो तो किसी को साथ नहीं लाया। हे भगवान, आज ही तो मैं उसे गलत मन बैठी। इसके बदले
मुंह से उसका मनपसंद मसाला पकौड़ी बना के खिलाऊंगी। हाँ वाह, इसकी खुशबू तो बढ़िया है। इतना बढ़िया खुशबू, थोड़ा टेस्ट तो करा। रुको, मैं अब भी लाती हूँ। नमस्कार। नमस्कार 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 भाभी। ताजुब है, अचानक आप मजा आसी गला। आइए आइए। मुँह तो कहीं से आ रहा था, बस जब इधर से गुजरा तो मैंने सोचा कि चलो आपन मानों को नमस्कार कर लेता हूँ। पकुड़ी। इसकी खुशबू तो गांव के बाहर तक आ रही है। और भाभी के हाथ के बने पकुड़ी तो वर्ल्ड फेमस है। तब तो इसी बात पर आपको भोजन करके ही जाना होगा, क्यों बुद्धिमती। वर्ल्ड फेमस। बसंतु, मैं बस अभी कपड़े बदल के आता हूँ, हमें बहुत चीजों के बारे में कथा वार्ता भी करनी है। हा? मेरी पकौड़े। एक मिनट, ये तो घर से सीधे आ रहा है। आ कहाँ से रहे हैं आप? क्या कौन? आप कहाँ से आ रहे थे? ओ बस यही कहीं से। हाँ याद आया, मुँह तो बस अपने खेतों की बाउंड्री कलर कर रहा था। अच्छा सकता, पर मते ना पेंट का स्मेल आ रहा है ना ही कलर का छींटे दिख रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ आने से पहले ये कुछ कलर कर रहा हो, झूठा कहीं का। तो इसने और मेरा स्वामी दोनों ने मिलकर मते बोका बनाने की योजना बनाई। अब मैं ऐसा पाठ सिखाऊंगी कि दोनों भूल नहीं पाएंगे। मैं बस एपे स्वादिष्ट चीज लेकर आती हूँ। हो सकता है दही बड़ा हो अंदर। अरे ये क्या है? ओम जय डंडा देव, हमें माफ कर दो देव, जो कोई तुझको खाइब इच्छा का फल पाइब। ओम जय डंडा देव। अरे ये कौन कर रहा है? क्षमा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आप भी आइए ना। किंतु ये तो डंडा है। हाँ हाँ, हमारे कारण इसे कितने कष्ट हो जी, बेचारा केबे केबे टूट भी जाता है। ये टूट जाता है कैसे? क्या किसी ने तुमको हमारे घर के खास प्रथा के बारे में नहीं बताया? जब भी हम खाद्य खाने बैठते हैं, हम इस डंडे का प्रयोग करते हैं। खाद्य में डंडे का क्या काम? मेहमानों को पीटने के लिए, और किस लिए? क्या ये तो हमारे घर की पुरानी प्रथा है, इससे भूख बढ़ जाती है और खाने का मजा डबल हो जाता है। यही तो है मेरा वर्ल्ड फेमस खाने का सीक्रेट। हाँ, आपको भी जल्दी पता चल जाएगा स्वामी। एबे मते याद आया कि मोर पत्नी ने मते सूरज डूबने से पहले घर पहुंचने को कहा है, समय तो देखो तू। अरे रे, रुको तू रुको तू, मैं चलता हूँ। मैं तैयार हूँ। अरे मेरा दोस्त कहाँ गया? तुमने कुछ कहा तो नहीं मूर्खो? वो ये डंडा मांग रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। हा? ये डंडा? अरे बोका कहीं की, डंडा ही मांगा था ना, तुम्हारा जेवर तो नहीं मांगा, क्यों मना कर दिया उसे? अबे मैं क्या इस डंडे से बात करूं? तो फिर जाकर दे आइए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमको बताने की जरूरत नहीं। एबे आएगा असली मजा, वर्ल्ड फेमस पत्नी का वर्ल्ड फेमस आइडिया। अरे अरे सुनो,
अरे सुनो सुनो, ये डंडा तुम्हारे लिए है। अरे एक मिनट रोहिलू, घर में बहुत सारे डंडे हैं। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और चलो हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अरे भाई, वो गर्मा गर्म मसालेदार पकौड़ी तो याद करो है? पर ये डंडा, ये तुम्हारे लिए। अरे ये तो बहुत साधारण डंडा है, किसी को एक मारूं तो टूट जाए। घर में ऐसे तो 50 डंडा है हाँ। इससे भी कहीं मजबूत, किसी को एक लग जाए तो मूर्छा हो जाए। तुम चलो तो सही, पहले अपने लिए डंडा पसंद करना, फिर खाद्यों की बात होगी। अजीब मनुष्य है, इधर से पड़ा। कोई बात नहीं, अब मैं पूरे गांव को भोजन पे बुलाऊंगा, तब अकल ठिकाने आएगी बुद्धिमती की। वो सबको घर पे बुलाता है रात को खाने पे, और खाने में मिलूची डंडा। मेहमानों को मार मार के उनकी चटनी बना देता है। तो भाई माने, मैं सोच रहा था कि आज ही रात्रि भोजन अगर तुम सब मेरे साथ। अरे ये भाग क्यों गए? मुंह सुनी ली कि वो अपने मेहमानों को घर में बंद कर देता है, और वो भी एक भयानक कुत्ते के साथ। वो कराटे भी जानता है। फिर उन्होंने उबलते हुए कढ़ाई में डाल के पकौड़ी की तरह तल देता है। लगुची पूरा का पूरा गांव पागल हो गया है। कितना थक गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, ये लो मसाला पकौड़ी। ये सब मेरे लिए? वाह, ये सब हमारे लिए, आज हम जी भर के खाएंगे। जय हो वर्ल्ड फेमस डंडा देव की। जय डंडा देव की, आखिर मेरा वर्ल्ड फेमस डंडा काम आया। पार्टी बॉय, अकलमंदों को पता होता है कि बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए डंडे से मारने की जरूरत नहीं होती। डंडे का इस्तेमाल तो किसी भी तरह किया जा सकता है।